ये बेला और चेतन कहाँ गए? वो लोग तो आज आए नहीं। क्या आए नहीं? ऐसे कैसे छुट्टी कर सकते हैं वो, और वो भी बिना बताए? ये तो आप उनसे ही पूछना। पूछता हूँ, अभी जाकर पूछता हूँ। ठीक है, तुम बच्चे लोग काम करो। आज चेतन काम पर क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत खराब है। जैसे ही ठीक होगी काम पे जाने लगेगी। लेकिन कारखाने में जो काम पड़ा है उसका क्या? अगर तुम्हारी बेटी काम पे नहीं आएगी उससे जो नुकसान होगा उसका क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? बीमारी के हालत में कोई कैसे काम पर जा सकता है? अरे बीमार है तो उसको वैद्य के पास ले जाओ, उसका इलाज कराओ, कहीं और जाने की जरूरत क्या है? तुम तो अपने साईं की वो चमत्कारी राख लेते हो ना, वो दो इसे। मुझे चेतन चाहिए काम पर जल्द से जल्द, क्योंकि इन बच्चों के सहारे ही मुझे भारी मात्रा में माल तैयार करना है। और एक बात, ना तो मैं वादा तोड़ता हूँ और ना किसी को वादा तोड़ने देता हूँ। लेकिन क्या आपने ये नहीं कहा था कि बच्चों का स्वास्थ्य, उनका भविष्य आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो कम से कम बेला को स्वस्थ होने का तो वक्त दीजिए। आपकी तरह मैं भी मजदूरों को काम पे रखता हूँ, लेकिन जब भी कोई बीमार होता है तो मुझे समझौता करना पड़ता है। सब करते हैं। एक तो काम की अवधि बढ़ा दी आपने, डेढ़ गुना समय कर दिया है आपने। कम से कम उन्हें बड़े हुए काम और समय में तालमेल तो बिठाने दीजिए। काम में तो ऊपर नीचे होते ही रहता है। अगर किसी के बीमार होने पर मैं उसे छुट्टी दे दूं, फिर तो चलने से रहा मेरा कारखाना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आधे पहर के अंदर तुम्हारी बेटी काम पर आनी चाहिए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। और ये मत भूलो कि तुमने अनुबंध पत्र में अंगूठा लगाया है। क्या हुआ साई? नया अध्याय शुरू हो चुका है बाईसम। बहुत लंबी नींद के बाद गांव वालों की आंखें खुलने लगी हैं। मतलब वो सही वक्त आने वाला है? आने वाला तो, लेकिन जब बहुत गहरी नींद के बाद अचानक आंखें खुलती हैं तो रोशनी चुभती है, तकलीफ होती है। इस तकलीफ को झेलकर ही हम सही मायनों में जागते हैं। अब जब आंखें खुली हैं तो गांव वालों को रोशनी की चुभन भी महसूस करनी होगी। राम जी उन्हें इसकी शक्ति दे, धैर्य दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.